Yes. गुड मॉर्निंग। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज का जो सेशन है आपका, स्पेशली हम लोग स्टैटिक के ऊपर लेके आए हैं, जो कि अवार्ड्स है। ये अब आप ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, आपका रीजनिंग में भी आता है। रीजनिंग में अगर हम देखेंगे तो एनालॉग इन क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है उसमें आता है, तो ये उसका भी प्रिपरेशन हो जा रहा है आपका। साथ ही साथ आपका स्टैटिक भी प्रिपेयर हो जा रहा है, स्टैटिक जीके जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी प्रिपेयर हो जा रही है। तो बिल्कुल ये जो आपका टॉपिक है, इन सारे एग्जाम्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो वेलकम एवरीवन टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। तो लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम। तो ये चैनल है, जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम। ओके, यस, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें बिहार के SI, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका BPSC के लिए इम्पॉर्टेंट है, NTPC के लिए इम्पॉर्टेंट है, और SSC के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे एग्जाम्स में जहां पे भी GK आता है, वहां पे ये चैप्टर जो है, ये अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। तो अवार्ड वाला इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। आज हम सारे नेशनल अवार्ड जो है, यस गुड मॉर्निंग, जितने भी आज नेशनल अवार्ड है इनको हम लोग आज देखेंगे। ओके, तो सब्जेक्ट में देख लेते हैं। तो SI में आपको GK, करंट इवेंट्स, और फिर मेंस में अगर आप देखोगे तो आपको हिंदी, जनरल स्टडीज, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और BPSC में अगर आप देखोगे तो BPSC में 150 मार्क्स का आता है, तो 150 मार्क्स में अगर आप देखोगे तो आपको, तो 150 मार्क्स में आपको पता है कि 150 मार्क्स में आपका GS होता है, रीजनिंग होता है और मैथ्स होता है, यानी जनरल मेंटल एबिलिटी और आपका साथ ही साथ GS होता है। बिल्कुल, तो जो लोग भी डिटेल में पढ़ना चाहते हो, अगर इस सारी चीजों को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग हमारा जो प्लस बैच है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लस बैच सब्सक्राइब करने से क्या मिलेगा आपको, कंप्लीट कवरेज मिलेगी सिलेबस की, 50+ टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको। और डिफरेंस क्या हो जाता है फ्री क्लासेस एंड प्लस क्लास, ऑब्वियसली प्लस क्लास में बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि वहां पे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड PDF नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस। इसी के साथ, यस गुड मॉर्निंग, इसी के साथ अगर देखा जाए तो आपको जो है आपके फेवरेट एडुकेटर की लाइव क्लासेस मिलती है, बैच कोर्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, पोल, कमेंट, क्विज, देन एक सब्सक्रिप्शन पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। वीडियोस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन देख सकते हैं, PDF नोट्स, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। साथ ही साथ अनलिमिटेड मॉक टेस्ट एंड अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलती है। ऑलरेडी रनिंग बैचेस, आप इनको भी, इनकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख पाओगे, और बहुत सारी अपकमिंग बैचेस भी हैं जिनकी क्लासेस आप बिल्कुल कर पाओगे। ये टॉप एडुकेटर्स है, अगर आप अभी प्लस सब्सक्राइब करते हो तो ये एडुकेटर्स की क्लासेस आपको मिलेंगी। सब्सक्राइब करने का तरीका है कि आप ऐप में जाइए, कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, देन गेट सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आप जितने भी मंथ का लेना चाहते हो उसको लीजिएगा, और ये कोड SHIPRA, इस कोड को जरूर यूज कीजिएगा। इस कोड को यूज करने से आपको भी पता है कि आपको क्या मिल जा रहा है, 10% का डिस्काउंट मिल जाता है इस कोड को अगर आप यूज करते हो प्लस क्लास के लिए। तो आप अनअकैडमी की किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप इस कोड को यूज कर सकते हो चाहे तो। यस गुड मॉर्निंग। तो बिल्कुल, और दूसरा आपके पास कॉइन्स भी होती है, आपने फ्री क्लासेस जब बहुत सारी देख ली है तो आपके पास देखिएगा कॉइन्स होंगी, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो, तो उसमें और डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो इस तरह से आप बैच की सब्सक्रिप्शन ले पाओगे, PDF डाउनलोड कर पाओगे, पोल सेशंस अटेंड कर पाओगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस कर पाओगे, वीकली क्विज आप कर पाओगे। यस, तो यही, इसी तरीके से आप बस ये कोड को बस यूज करना है आपको 10% के लिए, और कॉइन्स तो डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। यस गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है आपका 9 बजे है, ठीक है, 9 बजे हम ले रहे हैं अवार्ड्स के ऊपर, और अनअकैडमी वाला जो क्लास है वो आपका 9:45 PM, ठीक है, 9:45 PM पे होगा। बिल्कुल,
ये जो है 9:45 PM पे होगा, इसको गट बन लेना, ठीक है। आज पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल अवार्ड्स, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे हर एक अवार्ड को, फर्स्ट रेसिपिएंट कौन था, लेटेस्ट रेसिपिएंट कौन है, ये सब डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नेशनल अवार्ड्स जो है आपका, ये आपका क्या क्या है, देखिए पहला सिविलियन अवार्ड, फिर पढ़ने वाले हैं हम लोग मिलिट्री अवार्ड, उसके बाद लीडरशिप अवार्ड, लिटरेचर अवार्ड, देन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। ये सारी चीजें जो है हम लोग, ये सारी कैटेगरीज जो है ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये अब इन कैटेगरीज को डिटेल में देखते हैं हम लोग, तो डिटेल में देख रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं सिविलियन अवार्ड। अगर हम सिविलियन अवार्ड का बात करें, तो पहले तो ये है क्या, अगर सिविलियन अवार्ड का बात करें तो सिविलियन अवार्ड है क्या। सिविलियन अवार्ड दिया जाता है किस किस समय, बिल्कुल आप देख पा रहे हो, हिंदी में भी दिया है हमने, इंग्लिश में भी दिया है। तो सिविलियन अवार्ड, क्योंकि ये चीजें पूछी जाती है कि इनमें से किस कैटेगरी में नहीं दिया जाता है, इनमें से किस कैटेगरी में दिया जाता है, एक बार रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिविलियन आर्ट मतलब कला, लिटरेचर यानी साहित्य, एडुकेशन शिक्षा, स्पोर्ट्स खेल, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा, सोशल वर्क सामाजिक कार्य, साइंस विज्ञान, इंजीनियरिंग, पब्लिक अफेयर यानी कि सार्वजनिक मामलों में, सिविल सर्विस में, ठीक है, व्यापार में, ट्रेड में और इंडस्ट्री में, ठीक है, उद्योग पे, उद्योग और व्यापार। तो ये सारी कैटेगरी में क्या दिए जाते हैं आपके, सिविलियन अवार्ड्स। अब ये सिविलियन अवार्ड में है क्या क्या, उस पर भी आ जाते हैं। चले और एक और चीज, द इंडियन सिविलियन अवार्ड कैन बी फॉर द कैटर। अब ये जो है आगे जाकर चार टाइप के अवार्ड है, ठीक है, ये चार टाइप के अवार्ड क्या क्या है इस पे आते हैं। तो पहला आते हैं सिविलियन, तो आपसे ये पूछा जाता है ना, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अगर पूछा जाएगा तो वो क्या है आपका, वो है भारत रत्न। आप देख पा रहे हो भारत रत्न के लिए मेडल जो दिया जाता है, यस, तो भारत रत्न, बिल्कुल। तो भारत रत्न जो है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये आपका एक अच्छे काम के लिए दिया जाता है ना, फील्ड में, आर्ट्स है, साइंस है, लिटरेचर है, स्पोर्ट्स, इन सारे फील्ड में। और ये स्टार्ट जब हुआ था तो ये हुआ था 1954 में, ठीक है। अच्छा, इसमें प्राइज मनी का अगर आप बात करो तो आपके भारत रत्न में कोई प्राइज मनी नहीं है, यहाँ पे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो प्रेसिडेंट और मेडालियन जो होते हैं वो साइन करते हैं, ठीक है, थीके? जो प्रधान, जो जिनको अवार्ड दिया जा रहा है वो और प्रेसिडेंट, दोनों का साइन रहता है इसमें। और इनको काफी जो है आपकी फैसिलिटीज मिलती है, जो अवार्ड जिनको मिल जाता है भारत रत्न, इनको काफी सारी फैसिलिटीज मिलती है, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, तो ये सारी, एक जो बहुत हाईएस्ट ऑफिसर्स को मिलती है ना, वो सारी फैसिलिटीज इनको मिलने लग जाती है। तो ये अवार्ड पाने वाले को ये फायदा मिलता है, ठीक है। तो अगर आप देखो, अच्छा यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट रेसिपिएंट का अगर हम बात करें, तो आपको पता है कि ये फर्स्ट रेसिपिएंट कौन कौन थे। फर्स्ट रेसिपिएंट थे आपके सी राजगोपालचारी, एस राधा कृष्णन और सीवी रमन, ठीक है। ये तीनों जो थे ये फर्स्ट रेसिपिएंट थे, राजगोपालचारी, राधा कृष्णन और सीवी रमन। अगर हम बात करें फर्स्ट फॉरेन रेसिपिएंट की, तो फर्स्ट फॉरेन रेसिपिएंट कौन थे, खान अबुल गफर खान, है ना। और हम बात करें फर्स्ट फीमेल, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी। ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि फर्स्ट फीमेल रेसिपिएंट कौन, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, अच्छा वो कौन थे, कौन शख्स थे जिन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया था, वो कौन से इंडियन, वो कौन से शख्स थे, इंडियन शख्स थे जिन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया था, रिफ्यूज किया था, क्या इसका कोई आइडिया है किसी को। हाँ इन्होंने जो है रिफ्यूज किया था, ठीक है, यस, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, 1992 में इन्होंने रिफ्यूज, अब रीजन क्या था रिफ्यूज करने का, वैसा कोई रीजन नहीं था, रीजन ये था, वो बोल रहे थे कि जो सिलेक्शन कमिटी का अगर पार्ट होगा, क्योंकि
कि वो सिलेक्शन कमिटी के पार्ट थे, तो सिलेक्शन कमिटी के पार्ट को कोई हक नहीं है कि वो खुद को अवार्ड दे पाए, यानी खुद को नॉमिनेट कर पाए, ये उनका कहना था। इसीलिए उन्होंने जो है 1992 में जो है ये अवार्ड लेने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, किसने रिफ्यूज किया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है इन्होंने रिफ्यूज किया था। फर्स्ट वुमेन जो है वो इंदिरा गांधी थी। बहुत लोग मदर टेरेसा बोलते हैं, नहीं, मदर टेरेसा नहीं थी। 1972 में इंदिरा गांधी को मिला था, 1980 में मदर टेरेसा को मिला था। ठीक है, तो मदर टेरेसा सेकेंड फीमेल थी, फर्स्ट फीमेल रेसिपिएंट जो थी वो थी इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। और फर्स्ट रेसिपिएंट तीन लोग थे, सी राजगोपालचारी, एस राधा कृष्णन और सीवी रमन। ठीक है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि इनसे थोड़ा सा पूछा जाता है क्वेश्चन, इसीलिए हम इस चीज को, कुछ कुछ चीजों को डिटेल में देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत डिटेल में पूछता है आपसे। ठीक है, तो सी राजा गोपालचारी फर्स्ट रेसिपिएंट थे ये भी, है ना, और कब मिला था इनको? 1954 में। यस बिल्कुल, 1954 में जो है, ईयर 1954 में सी राजा गोपालचारी को भारत रत्न मिला था। ओके, ये आपको पता है कौन थे? ही वॉज द ओनली इंडियन एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया। ये आप पढ़ चुके हो, है ना, सी राजगोपालचारी कौन थे? लास्ट गवर्नर जनरल थे ना स्वतंत्र भारत के। यस, गुड मॉर्निंग, स्वतंत्र भारत के। यस, हेलो, स्वतंत्र भारत के जो थे ये लास्ट गवर्नर जनरल थे। एंड ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास स्टेट। ठीक है, और ये जो फाउंडर थे किसकी? स्वतंत्र पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, इंडियन पॉलिटिकल पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, इसके फाउंडर थे। ठीक है, तो सी राजगोपालचारी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भी फर्स्ट रेसिपिएंट थे, क्योंकि फर्स्ट रेसिपिएंट तीन लोग थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे। आपको पता है ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, है ना, 1952 से 62, और सेकंड प्रेसिडेंट थे ये 1962 से 67। बिल्कुल, और इनके बर्थडे पे आपको पता है 5th सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? टीचर्स डे। बिल्कुल, यस, एकदम सही, तो टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पे। तो ये जो है ये भी फर्स्ट रेसिपिएंट थे भारत रत्न के। तो भारत रत्न के फर्स्ट रेसिपिएंट तीन लोग थे, तो एक हो गए सी राजगोपालचारी, जो ये तीनों को 1954 में मिला है, दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एंड द थर्ड पर्सन, तीसरे पर्सन जो थे वो थे सीवी रमन। सीवी रमन जो है इनका काम किस काम के लिए? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, रमन स्कैटरिंग भी बोलते हैं, तो रमन इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है इस डिस्कवरी के लिए जो है इनको मिला था। ठीक है, यस, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1930 में, सीवी रमन। ठीक है, यस, सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला है। इन्होंने एटॉमिक फिजिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस फील्ड में काम किया था, फिजिक्स में मिला है इनको, तो नोबेल प्राइज मिला है 1930। तो सीवी रमन, तो तीन पर्सन याद रखिएगा हमेशा भारत रत्न के, फर्स्ट सी राजगोपालचारी, देन सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एंड थर्ड पर्सन इज सीवी रमन। ठीक है, ये तीन पर्सन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा आगे चलते हैं। अब भारत रत्न 2019, यानी अभी जो लेटेस्ट रेसिपिएंट थे वो कौन कौन से थे? वो थे श्री प्रणब मुखर्जी, उसके बाद नानाजी देशमुख एंड भूपेन हजारिका। ठीक है, तो यस, तो प्रणब मुखर्जी जी के बारे में तो पता ही आपको कि 13th प्रेसिडेंट थे। इनके बारे में अभी कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि लेटेस्ट ही न्यूज में थे, इनका अभी देहांत हुआ है, इसीलिए इनके बारे में पढ़ना थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट भी आपके लिए, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 13th प्रेसिडेंट थे 2012 से 2017 तक। बिल्कुल, और लीडर, सीनियर लीडर भी रह चुके हैं, आपको पता होगा इंडिया के प्रेसिडेंट बनने से पहले ये कांग्रेस के पार्ट थे, तो ये वहाँ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्ट थे। और ये फिनांस मिनिस्टर, एज ए फिनांस मिनिस्टर जो यूनियन फिनांस मिनिस्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं 2009 से 2012। ठीक है, यस, तो श्री प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, 13th प्रेसिडेंट थे, और इन को जो मिला है 2019 में मिला है भारत रत्न। ओके, और 2009 से 12 में ये फिनांस मिनिस्टर भी थे, याद रखिएगा। नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख जो थे ये सोशल एक्टिविस्ट है। ठीक है, तो नानाजी देशमुख क्या सोशल ही वाज अ मेंबर ऑफ आरएसएस, ये आरएसएस के मेंबर थे, यस, भारतीय जनता संघ, एंड ये राज्यसभा के भी मेंबर थे। इनको पद्म विभूषण मिला था 1999 में,
और फर्स्ट सरस्वती शिशु मंदिर वॉज स्टेब्लिश्ड बाय हिम, ठीक है, एट गोरखपुर 1950। तो सरस्वती शिशु मंदिर जो है ये इन्होंने गोरखपुर में 1950 में बनवाया। और ये एक सोशल एक्टिविटी यानी सामाजिक कार्यकर्ता थे, आरएसएस के मेंबर थे ये, ओके, और लीडर थे भारतीय जनता संघ, ठीक है। भूपेन हजारिका, इनके बारे में भी जानते ही हैं हम लोग। ये कौन थे? ये प्लेबैक सिंगर, ठीक है, इंडियन प्लेबैक सिंगर थे, लिरिसिस्ट थे, है ना, यानी कि लिखते थे गाने को। उसके बाद म्यूजिशियन थे, सिंगर थे, पोएट थे, फिल्म मेकर थे। और ये कहाँ से थे? ये असम से थे, सुधा कांता, इनको सुधा कांता, ठीक है, बिल्कुल। इनको भारत रत्न देने से पहले ये ऑलरेडी नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुके हैं, बिल्कुल सही, नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुके हैं। किसके लिए? बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन 1975 में। और इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी मिला है, इनको पद्मश्री भी मिला है, इनको पद्म भूषण भी मिला है, और इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है 1992 में। तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं इनके। तो अब देखिए, तो ये तीनों पर्सन भी थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो चुके हैं, क्योंकि ये तीनों को आप भारत रत्न दिया गया है ना। भारत रत्न के लिए एक चीज है कि मैक्सिमम जो है भारत रत्न 3 लोगों को दिया जा सकता है ना, मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है भारत रत्न। तो श्री प्रणब मुखर्जी भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तीनों पर्सन जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ के रखना पड़ेगा, ठीक है, इनका डिटेल थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, बस ये याद रखिएगा। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहे हो, है ना, बीपीएससी दे रहे हो या जो भी दे रहे हो, पब्लिक सर्विस कमीशन दोगे तो वहां पे थोड़ा सा डिटेल आपसे पूछ लेगा। चाहे आप कुछ भी दीजिए, पब्लिक सर्विस कमीशन, और दूसरा चीज है बैंक, वहां भी डिटेल पूछता है आपसे। एसएससी ज्यादा डिटेल आपसे नहीं मांगेगा, एनटीपीसी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मांगेगा आपसे, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन और बैंक ये आपसे थोड़ा सा डिटेल मांगता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ये एक बार रीड कर लोगे ना तो दिमाग में रहेगा, ऑप्शन से भी देख करके आप मार्क कर सकते हो। तो इनको देखिएगा, 1992 में जो है इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। और इसी 1992 में जो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है उन्होंने रिफ्यूज किया था भारत रत्न लेने से पहले, ठीक है। पद्मश्री मिला है इनको, पद्म भूषण मिला है, ठीक है, पद्मा के 3 अवार्ड है ना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, यस। तो ये चीजें याद रखिएगा, तो ये भारत रत्न मिला इनको। आते हैं पद्मा अवार्ड्स की तरफ। तो पद्मा अवार्ड्स जो है 3 अवार्ड है, ठीक है, पद्मा विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, 3 अवार्ड है आपके। अगर सिविलियन अवार्ड में पूछा जाए तो ये आपका सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, ये आपका थर्ड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये आपका फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। फर्स्ट हाईएस्ट कौन है? आपका भारत रत्न है। लेकिन पद्मा अवार्ड की कैटेगरी में पूछा जाए तो पद्म विभूषण पहला, पद्म भूषण दूसरा और पद्मश्री तीसरा, ये तीनों। तो पद्म विभूषण याद रखिएगा, आपका बहुत अच्छा सर्विस, अपनी फील्ड में आपने बहुत अच्छा सर्विस दिया, बहुत अलग सर्विस दिया है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये दिया जाता है। पद्म भूषण की बात करें अगर हम, तो पद्म भूषण भी जो है आपका वही, आपकी सर्विस चाहे जिस भी फील्ड से हो, ये अलग अलग फील्ड में दिया जाता है, आपको पता है, साइंस, आर्ट्स, आपका फिल्म इंडस्ट्री, से इन सारे फील्ड में दिया जाता है, तो ये सारी फील्ड्स में दिया जाता है। तो पद्म विभूषण, पद्मश्री, ठीक है, पद्म भूषण और पद्मश्री भी, बट ये क्या होता है, ये तीनों क्या जो सिविलियन अवार्ड्स है, इनका एक और चीज याद रखिएगा, जो सिविलियन अवार्ड्स है इनमें कोई भी प्राइज मनी नहीं होती है, ठीक है, इनमें जो है प्राइज मनी नहीं होती है, ये चारों अवार्ड में, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और ये अवार्ड जो होती है प्रेसिडेंट जो है ये देते हैं, तो इनमें कोई भी प्राइज मनी नहीं होती है, याद रखिएगा। और बहुत सारे अवार्ड्स है जिसमें इस बार जो है प्राइज मनी वो बढ़ाया गया है, तो वो अवार्ड भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अभी, ठीक है, यस। तो ये पद्मा का अवार्ड, अब इसकी लिस्ट अगर आप देखोगे तो लिस्ट देखिए, पद्म विभूषण जो अभी की लिस्ट जो है इस बार, यस, गुड मॉर्निंग रिया, कितने लोगों को मिला है याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो कुछ कुछ याद रखिए, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अरुण जेटली, इनको मिला है पद्म विभूषण, 7 लोगों को मिला है पद्म विभूषण, पोस्टमसली, बिल्कुल आपको पता होगा कि आफ्टर डेथ जो है जिनको मिलता है उनको पोस्टमसली बोलते हैं, तो इनको आफ्टर डेथ मिला है। सुषमा स्वराज, इनको भी मिला है, ठीक है, मैरी कॉम को मिला है आपका, कौन
कौन कहाँ से, मैरीकॉम का तो आपको पता है स्पोर्ट्स की फील्ड में है, ये पब्लिक अफेयर्स में है, अरुण जेटली। जॉर्ज फर्नांडेस बिहार, ये इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है, बीपीएससी के लिए RSI के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो जॉर्ज फर्नांडेस, इनको भी पोस्ट मछली मिला है पब्लिक अफेयर्स, ये भी, और ये भी बिहार, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देन आपका कुछ कुछ तो नाम आप याद रख सकते हो, है ना, कुछ कुछ नाम दिमाग में बैठ जाएगा। अरुण जेटली जी हैं, देन श्रीमती सुषमा स्वराज है, देन श्री जॉर्ज फर्नांडिस है, ये तीन नाम आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैरी कॉम, ये भी आर्ट के कल्चर में जो है, चिन्नमुलल मिश्रा, तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ नाम है आपको याद रखना है, बस कुछ कुछ हमने जो टिक किया ये आपको याद हो जाना चाहिए। एक बार लिस्ट जरूर पढ़ लीजिएगा कि किसको किसको मिला है अवार्ड, ठीक है, यस बिल्कुल, लिस्ट जरूर आपको पढ़ लेना है। आगे चलते हैं, पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है, तो 16 लोगों को मिला है पद्म भूषण, पद्म भूषण 16 लोगों को मिला है, बिल्कुल। अब ये 16 लोग कौन कौन है, तो कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए, मुमताज अली केरला, सैयद मुअज्जिम अली पब्लिक अफेयर्स, ये बांग्लादेश के है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ये बांग्लादेश के है तो, ठीक है। श्री मुजफ्फर हुसैन बाइक, ये भी पब्लिक अफेयर, और ये जम्मू एंड कश्मीर। अजय चक्रवर्ती आर्ट्स वेस्ट बंगाल, मनोज दास लिटरेचर एंड एडुकेशन पुडुचेरी, इसका PDF हम दे देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। फिर बालकृष्ण दोषी गुजरात, ठीक है, कृष्णमल जगन्नाथन सोशल वर्कर है, अनिल प्रकाश जोशी सेरिंग लैंडॉल, आनंद महिंद्रा ट्रेड एंड इंडस्ट्री महिंद्रा, ठीक है, महाराष्ट्र, ये याद रख सकते हो, कुछ कुछ याद रख सकते हो। एक बार रीडजस्ट करना है आपको, पीवी सिंधु, ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया, पीवी सिंधु, ठीक है। स्पोर्ट्स में ऐसे भी पूछता है, स्पोर्ट्स में किसको मिला है, तो स्पोर्ट्स देखिए पब्लिक अफेयर्स में तो बहुत सारे हैं, है ना, स्पोर्ट्स में किसको मिला है पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा स्पोर्ट्स में पीवी सिंधु तेलंगाना, ठीक है, पीवी सिंधु को मिला है तेलंगाना से। अब पीवी सिंधु कहाँ से, ये तो याद भी होगा सबको, तो पीवी सिंधु थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। पद्मश्री अगर हम देखेंगे तो 118 लोगों को मिला है पद्मश्री, तो जिस स्टेट से आप अगर एग्जाम दे रहे हो उस स्टेट का अगर कोई है तो उसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो पद्मश्री 118 लोगों को मिला है, याद रखिएगा पद्मश्री 118 लोग, अब सबको याद, सबका नाम याद रखना तो होगा नहीं, तो कुछ कुछ जो नाम है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे अगर हम देखे यहाँ पे सोशल वर्कर है, सारी फील्ड्स हैं आपकी, स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स याद कर लीजिएगा, कभी कभी स्पोर्ट्स को लेके पूछा जाता है, ठीक है, स्पोर्ट्स को याद कर लीजिएगा कैटेगरी, ठीक है, स्पोर्ट्स की कैटेगरी याद कर लीजिए। चलिए तो इतना ही रहने देते हैं उसको, तो वो 118 है, बस कितने लोगों को मिला ये भी याद रखिए, 118 लोगों को मिला है पद्मश्री, 16 लोगों को मिला है पद्म भूषण, और 7 लोगों को मिला है पद्म भूषण। तो पद्म विभूषण 7 जन है, पद्म भूषण 16, और 118 जो है वो पद्मश्री, ठीक है, यस। चलिए आगे चलते हैं, यस चलिए, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं। मिलिट्री अवार्ड, ठीक है, मिलिट्री अवार्ड का अगर हम बात करें तो मिलिट्री अवार्ड में आपको पता है परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है, अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, और शौर्य चक्र है। तो ये सारे क्या है, ये हैं आपके 6 मिलिट्री अवार्ड, ठीक है। आपको पता है कि ये आपके मिलिट्री के फील्ड में जो है ये दिया जाता है मिलिट्री अवार्ड, और डिफेंस पर्सन फॉर देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क ब्रेवरी एंड करेज, उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्क होती है उसके लिए, उनके साहस के लिए उनको ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है, वॉर के टाइम में या पीस के टाइम में, जो भी हो, शांति के टाइम या फिर जब लड़ाई और युद्ध हुआ उस टाइम में ये दिया जाता है। तो पहला आते हैं परमवीर चक्र, ये हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड होता है परमवीर चक्र, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्राइज मनी याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट रेसिपिएंट को लेके क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लेटेस्ट से ज्यादा आपसे फर्स्ट रेसिपिएंट पूछता है, क्योंकि यहाँ पे अवार्ड बहुत लोगों को मिलती है तो लेटेस्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है पूछना, लेकिन फर्स्ट जरूर पूछ लेते हैं। तो परमवीर चक्र जो है ये दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले ये जो था विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया है, विक्टोरिया क्रॉस था इसका नाम,
जब इंडिपेंडेंस से पहले जो था इसका नाम था विक्टोरिया क्रॉस, ठीक है। विक्टोरिया क्रॉस का नाम आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है चेंज कर दिया गया परमवीर चक्र, ठीक है, बाद में इसको परमवीर चक्र में बदला गया। और इसको जो है ये जो है आपका 10 लाख रुपए जो है प्राइज मनी दिया जाता। और फर्स्ट रेसिपियंट जो थे मेजर सोमनाथ थे, ये 1947 में इनका डेथ हुआ था कश्मीर में मुठभेड़ के टाइम में, ठीक है। तो कश्मीर में इनका डेथ हुआ था। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो है काफी यंग एजेड थे उस टाइम में ये, तो इनको मिला था फर्स्ट परमवीर चक्र। और परमवीर चक्र का जो प्राइस मनी है वो है 10 लाख रुपए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, परमवीर चक्र जो है हाईएस्ट अवार्ड है। और ये जो मिला था ये फर्स्ट किसको मिला था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, क्योंकि इसलिए हम ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके पूछता है हम उसको आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल दूसरे पे आते हैं महावीर चक्र। तो महावीर चक्र का अगर हम बात करें तो महावीर चक्र जो है आपका, महावीर चक्र जो ये सेकेंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। देखिए वो सिविलियन अवार्ड्स थे, ये आपके मिलिट्री अवार्ड्स है, ठीक है, ये मिलिट्री अवार्ड्स है। ये भी अवार्ड जो था यूनाइटेड स्टेट और विक्टोरिया क्रॉस ऑफ यूके था। अब इसमें क्या होता है, इसमें 5 लाख रुपया मिलता है महावीर चक्र में, उसमें 10 लाख था, ठीक है, परमवीर में। और महावीर चक्र में जो है 5 लाख रुपीज जो है ये मिलता है। तो महावीर चक्र में कितना मिलता है याद रखिएगा, महावीर चक्र में 5 लाख रुपीज और मेडल जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, महावीर चक्र का है। वीर चक्र पे आते हैं तो वीर चक्र में जो प्राइस मनी है वो 2 लाख रुपीज है, ठीक है। और वीर चक्र का जो लिस्ट है थर्ड अवार्ड है ये वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, वीर चक्र आपका तीसरा अवार्ड है। तो इसको डीएससी, मिलिट्री क्रॉस और डीएफसी यानी डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस, इन सब के कैटेगरी में जो है दिया जाता है। और इसमें 2 लाख रुपया दिया जाता है वीर चक्र, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। अगर हम बात करें तो पीस टाइम यानी शांति वो था वॉर का, अब ये शांति अशोक चक्र, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अशोक चक्र जो है ये परमवीर चक्र के ही बराबर होता है, ठीक है। ये सेल्फ सेक्रीफाइस, आपका करेज, आपकी हिम्मत, इसके लिए दिया जाता है। और ये जो है सबसे पहले दिया गया था सुहास विश्वास को दिया गया था फर्स्ट रेसिपिएंट। और फर्स्ट वुमेन जो थी निर्जा भानोद, जो आपको पता है कि 1987 में जिनका डेथ हुआ था। और इसका प्राइस मनी है 8 लाख रुपीज, ठीक है। तो अशोक चक्र अवार्ड जो है ये इक्विवेलेंट होता है किसके, परमवीर चक्र के। तो अशोक चक्र जो है परमवीर चक्र के इक्विवेलेंट होता है। और ये जो दिया जाता है आपका पर अशोक चक्र, ये दिया गया था फर्स्ट सुहास विश्वास को और निर्जा भानोद, जिनके बारे में आपने पता है, आपने सुना है ना, निर्जा भानोद एयर होस्टेस थी जिन्होंने मोर देन 350 पैसेंजर्स को जो है बचाया था प्लेन हाईजैक में अपने, और उसी दौरान जो है इनका जो है डेथ हुआ था। तो इन्हीं, ये फर्स्ट वुमेन है और यंगेस्ट रेसिपिएंट है, बिल्कुल 8 लाख रुपए, ठीक है, यस। तो इनको जो है 8 लाख रुपए जो है मिलता है जो भी अशोक चक्र अवार्डीज होते हैं। कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र जो है, कीर्ति चक्र आपका होता है सेकेंड पीस टाइम। पीस टाइम मतलब शांति है ना, शांति के लिए जो सेक्रीफाइस करते हैं, ये आपका वीरता पुरस्कार है। ये इस फर्स्ट मिला था नायक मुख्तियार सिंह, नायक मुख्तियार सिंह 1957। तो नायक मुख्तियार सिंह को मिला था 1957 में। और यहाँ पे जो प्राइज मनी होता है वो कितना होता है आपका, 4 लाख। तो प्राइज मनी जो है ये होती है 4 लाख, 4 लाख रुपए, यस। नेक्स्ट आते हैं शौर्य चक्र। शौर्य चक्र की बात करें तो शौर्य चक्र जो है ये आपका थर्ड है, ठीक है, ये थर्ड है लिस्ट में। और 1952 में मिला था। और इसमें जो प्राइज मनी होता है आपका, ये स्टार्ट हुआ था 1952 में, और इसका जो प्राइज मनी होता है वो था 1.5 लाख। तो चलिए जरा सबका प्राइज मनी एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले परमवीर चक्र में 10 लाख, महावीर चक्र में 5 लाख, फिर वीर चक्र में 2 लाख, अशोक चक्र 8 लाख, कीर्ति चक्र 4 लाख, शौर्य चक्र 1.5 लाख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं गांधी पीस प्राइज अवार्ड। तो गांधी पीस प्राइज अवार्ड जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, गांधी पीस प्राइज जो है, गांधी पीस पीस प्राइज अवार्ड जो है, ये जो है महात्मा गांधी, बिल्कुल इनके नाम पे दिया गया है, इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज अवार्ड। और ये 125th बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है, ऑफ गांधी जी, और 1995
इसका स्टार्टिंग हुआ था 1995 में 125th बर्थडे पे, तो 125वीं जयंती, बिल्कुल 125वीं, यस गुड मॉर्निंग, 125th बर्थडे 125वीं जयंती पे जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और ये फर्स्ट जो थे 1995 में मिला था जूलियस नायरिन, और लेटेस्ट 2018 में रेसिपिएंट है योही सासाकावा, योही सासाकावा जो लेटेस्ट रेसिपिएंट है, और फर्स्ट रेसिपिएंट थे जूलियस नायरिन। ठीक है, जूलियस नायरिन जो है ये फर्स्ट रेसिपिएंट थे, और इसका स्टार्टिंग जो हुआ था, शुरुआत जो हुई थी, ये महात्मा गांधी के नाम पे 125वीं जयंती पे हुआ था, और ये जो है आपका 1995, और इसमें जो प्राइस मनी होती है वो होती है 25 लाख रुपए। बिल्कुल, जो प्राइस मनी होती है वो होती है 25 लाख, तो 25 लाख जो है इसकी प्राइस मनी है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइस, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी पीस प्राइस की, तो इंदिरा गांधी पीस प्राइस एक बार लास्ट में हम फिर से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइस जो है ये ऑब्वियसली आपको पता है कि इंदिरा गांधी जी के नाम पे है इनका नाम, इसका नाम, और ये जो आपका उन व्यक्ति या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय प्रयास किया है, मतलब जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जो है शांति बनाने का, जो है पीस रखने का, जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रयास किया है, तो ये पर्सन को भी मिलता है या संगठन, दोनों में से किसी को भी दिया जा सकता। तो पहला इसलिए संगठन को मिला था, वो कौन थे, पार्लियामेंटेरियन ऑफ ग्लोबल एक्शन, पार्लियामेंटेरियन ऑफ ग्लोबल एक्शन, ये पहले रेसिपिएंट थे 1985। और पर्सन में अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट रेसिपिएंट, तो वो होंगे एम एस स्वामीनाथन 1999, और इसमें जो प्राइज मनी होती है वो 25 लाख होती है। तो अभी हमने देखा कि गांधी में भी 25 लाख है और इंदिरा गांधी में भी 25 लाख है, ठीक है। तो फर्स्ट रेसिपिएंट जो थे, और 1989 में यूनिसेफ को मिला है, तो पार्लियामेंटेरियन ऑफ ग्लोबल एक्शन ये थे, और यूनिसेफ को 1989 में मिला है, एम एस स्वामीनाथन को 1999 में मिला है। बिल्कुल यस, बिल्कुल मिल जाएगा प्रवेश, टेंशन मत लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में हम दे देंगे। लिटरेचर अवार्ड पे आते हैं, तो लिटरेचर अवार्ड में क्या क्या होता है, ग्रेट वर्क राइटिंग में, है ना, साहित्य में, साहित्य अवार्ड है ये, साहित्य पुरस्कार। एक बार सुनने से क्या होगा ना कि जब आप पीडीएफ देखोगे ना आपको फटफट याद हो जाएगा, इसलिए एक बार सुन लो तो याद अच्छा रहेगा। ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है सबसे पहले जो अकित्थम अचुत्थम नंबूथिरी, ठीक है, अकित्थम अचुत्थम नंबूथिरी, इनको मिला था दो, ठीक है, लेटेस्ट जो रेसिपियंट है ये है अकित्थम अचुत्थम नंबूथिरी, मलयालम, यस ये मलयालम पोएट है, मलयालम पोएट है, इनको मिला है 2019 में, और इसका जो प्राइज मनी है वो 11 लाख है। ज्ञानपीठ अवार्ड में बस ये सब याद रखिएगा, लेटेस्ट कौन है ये याद रखिएगा। और साहित्य अकादमी अवार्ड में जो लेटेस्ट है वो है आपके शशि थरूर, ठीक है, 2019 ये भी, और इसमें मिलता है 50,000 रुपीज, ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड में 50,000 रुपीज मिलता है, और ज्ञानपीठ अवार्ड में जो है 11 लाख रुपए मिलता है। तो लिटरेचर अवार्ड याद रखिएगा, ये आपका ज्ञानपीठ अवार्ड का ट्रॉफी है। बिल्कुल, स्पोर्ट्स अवार्ड में आ जाते हैं जरा, तो स्पोर्ट्स अवार्ड की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स अवार्ड्स में आपके क्या हो जाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की बात करें तो ये किसके द्वारा दिए जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, इनके द्वारा दिए जाते हैं। अब ये अवार्ड के अंदर क्या क्या आते हैं उनको जरा देख लेते हैं। इस अवार्ड के अंदर जो आते हैं, पहले राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है, फर्स्ट राजीव गांधी, आपको पता है ये राजीव गांधी के नाम पे दी जाती है, और ये 1991 में शुरुआत हुई थी। तो इसकी जो रेसिपिएंट है आपको लेटेस्ट लिस्ट जो है उसको याद रखना है, तो अभी जो इनको मिला है वो आपको याद रखिएगा, रोहित शर्मा याद ही होगा आपको, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मरियप्पा थंगावेलु इनको भी याद है, ये पैरा एथलेटिक्स है, ठीक है, देन मानिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगट रेसलिंग, और रानी रामपाल हॉकी, ये हॉकी से फर्स्ट रेसिपिएंट है, हॉकी कैटेगरी से, यस ये जो है हॉकी कैटेगरी से फर्स्ट रेसिपिएंट है। बिल्कुल, तो याद रखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न जो है किनको किनको मिला और किस फील्ड में मिला ये भी याद रखना है, ये नहीं कि सिर्फ किसको किनको किनको मिला है, क्योंकि क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा कि जैसे पूछ लेगा मनिका बत्रा वॉज रिसेंटली गिवेन द राजीव गांधी खेल रत्न इन विच फील्ड, ठीक है, शी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, ये भी पूछ लेगा, तो याद रखिएगा टेबल टेनिस,
इनका कम से कम स्पोर्ट्स आपको याद रखना है, ये पूछता है कंफर्म। विनेश फोगट, फोगट से याद रखिए, रेसलिंग है ना, बिल्कुल। और रानी रामपाल हॉकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओनली पर्सन है हॉकी इसकी जिनको मिला है। और फर्स्ट जो विनर थे वो थे आपके विश्वनाथन आनंद, 1991 में विश्वनाथन आनंद, इनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न मिला है। और विश्वनाथन आनंद कौन से फील्ड से है ये आपको पता है, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड, अभी तो नाम में ही पता है ना, गुरु, गुरु लोगों को मिलता है, यानी कि कोच को मिलता है, ठीक है। तो ये जो है कोच को मिलता है, और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो प्राइस मनी है वो है 15 लाख रुपए, ठीक है। तो इसकी जो प्राइस मनी है वो है 15 लाख रुपए। तो द्रोणाचार्य कोच को मिलता है, जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो रहते हैं, स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को जो प्रशिक्षित करते हैं, उनके जो शिक्षक होते हैं, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य, क्योंकि द्रोणाचार्य नाम में ही पता है कि ये कोच को मिलता होगा। तो यहाँ पे आपका कैटेगरी हमने दे दिया है, लाइफ टाइम कैटेगरी किसको किसको मिला है, और रेगुलर कैटेगरी, ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारा लंबा लिस्ट है क्योंकि, इसीलिए। नेक्स्ट आते हैं अर्जुन अवार्ड। अच्छा, जरा सर्च मार के आओ, किस फील्ड से है विश्वनाथन आनंद। तो अर्जुन अवार्ड का अगर हम बात करें तो अर्जुन अवार्ड जो है ये भी आपका नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड होता है, ये 1961 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये इसमें जो प्राइज मनी होती है वो 15 लाख रुपए होती है। तो अर्जुन अवार्ड की जो प्राइज मनी है वो है 15 लाख रुपया, ठीक है। तो अर्जुन अवार्ड की जो प्राइज मनी है वो 15 लाख है। तब ये अवार्ड्स अवार्डीज है इस बार के, इतना सारा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी पड़ेंगी, कौन सा पर्सन किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो याद रखना, ये सारा लिस्ट पढ़ लेना, ठीक है। ध्यानचंद अवार्ड, हॉकी प्लेयर थे आपको पता है, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, हॉकी लेजेंड को दिए, हॉकी लेजेंड थे ध्यानचंद, ठीक है। इनकी मेमोरी में दिया जाता है, इनकी याद में दिया जाता है। इसमें जो है 10 लाख रुपया दिया जाता है। 2019 में जो मिला है मैनुअल फ्रेडरिक हॉकी प्लेयर, अरूप बशक टेबल टेनिस, मनोज कुमार रेसलिंग, नितिन कीर्ताने टेनिस, और सी लाल रेम संगा, ठीक है। लाल रेम संगा जो है ये आर्चरी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कौन सा पर्सन किस फील्ड से है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यानचंद अवार्ड जो है, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, 2019 में लेटेस्ट मिला है, और इसमें जो है आपको ट्रॉफी उसके साथ साथ 10 लाख रुपया मिलता है। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड याद रखिएगा, ठीक है। ये स्पोर्ट्स पर्सन थे, लेजेंड थे, हॉकी लेजेंड थे, और मेजर ध्यानचंद इनके याद में, इनकी मेमोरी में जो ये अवार्ड दिया जाता है। तो बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट आते हैं फिल्म इंडस्ट्री के केस में, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। यस, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है इसमें कितना मिलता है, 10 लाख रुपए। इसमें एक मेडल मिलती है जिसमें गोल्डन लोटस, ठीक है, मेडल रहता है, शॉल रहता है, और कैश प्राइज रहती है 10 लाख रुपए। तो फर्स्ट रेसिपिएंट थी देविका रानी थी, और जो लेटेस्ट अमिताभ बच्चन, इनको मिला है 2019 में, ठीक है। यस, लेटेस्ट रेसिपिएंट अमिताभ बच्चन थे जिनको मिला है। यहाँ पे जो है आउटग्रोइंग, यहाँ पे जो पर्सनल फिल्म इंडस्ट्री में जो आपका परफॉर्मेंस होता है, फिल्म इंडस्ट्री में जो बेस्ट परफॉर्मेंस होता है उनको जो है ये अवार्ड दिया जाता है। तो इनसे पहले विनोद खन्ना को मिला है ना, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, फिर शशि कपूर को मिला है, तो लिस्ट है बहुत सारी। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है फिल्म इंडस्ट्री, फर्स्ट जो है देविका रानी, फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस देविका रानी को मिला है 1969 में, और लेटेस्ट अभी जो है अमिताभ बच्चन, इनको मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे दादा साहेब में याद रखिएगा 10 लाख रुपए, ठीक है। तो हॉकी ध्यानचंद अवार्ड में 10 लाख मिलता है यहाँ भी, और दादा साहेब में भी आपका 10 लाख मिलता है, ठीक है। उसके बाद अर्जुन अवार्ड में 15 लाख, द्रोणाचार्य भी 15 लाख, और राजीव गांधी 25 लाख, ठीक है। ये जो प्राइज मनी है इनका याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि ये अभी इंक्रीज हुआ है। राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य और आपका अर्जुन अवार्ड, इनकी प्राइज मनी इंक्रीज हुई है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड 15, द्रोणाचार्य 15, और राजीव गांधी 25, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्योंकि अभी आपका ये करंट अफेयर्स का हो जाएगा एक तरह से अगर देखा जाए तो।
इनकी प्राइज मनी याद रखिएगा। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स थी। लिटरेचर में साहित्य पुरस्कार में देखा जाए तो साहित्य एकेडमी अवार्ड में जो है 50,000 रुपीज, बिल्कुल साहित्य एकेडमी अवार्ड में 50,000 रुपीज, और ज्ञानपीठ अवार्ड में 11 लाख याद रखिएगा। तो ज्ञानपीठ में 11 लाख है और साहित्य एकेडमी में आपका है 50,000 रुपीज। बिल्कुल इंदिरा गांधी पीस प्राइज 25 लाख, ठीक है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 25 लाख रुपया, और महात्मा गांधी जो है गांधी पीस प्राइज जो है वो भी 25 लाख। तो इंदिरा गांधी और दोनों गांधी वाला जो है और राजीव गांधी, तीनों का 25 लाख है, ये समझ लीजिए हम, है ना। इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी और राजीव गांधी, इन तीनों से जुड़े जो अवार्ड है इन सबका जो है ये क्या है, 25 लाख है, याद रख सकते हो इससे। शौर्य चक्र 1.5 लाख, 1.5 लाख। कीर्ति चक्र 4 लाख। इनको ना हमने वैसे ही सजाया है तो आप एकदम वैसे ही पढ़िएगा। यस, अशोक चक्र, अगर अशोक चक्र का बात करें तो अशोक चक्र का है आपका फर्स्ट रेसिपिएंट थे सुहास विश्वास और फर्स्ट वुमेन नीरजा भनोत, ये याद रखिएगा, और 8 लाख, ठीक है, अशोक चक्र का 8 लाख। वीर चक्र, वीर चक्र का 2 लाख। महावीर चक्र 5 लाख और आपका परमवीर चक्र 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये वॉर टाइम में, और ये पीस टाइम में जो है ये तीन, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये याद रखिएगा। तो ये आपकी दो कैटेगरी में, इसलिए मिलिट्री अवार्ड को मान सकते हो आप, दो कैटेगरी, ये वॉर टाइम और ये पीस टाइम, ठीक है। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री का बात करें तो पद्म विभूषण कितने लोगों को मिली है, पद्म विभूषण जो है याद रखिएगा 7 लोगों को मिली है, ठीक है, पद्म भूषण 7 लोगों को मिली है, पद्म भूषण 16 लोगों को मिली है और पद्मश्री 118 लोगों को मिला है इस बार, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भारत रत्न के ऊपर। तो भारत रत्न जो है, भारत रत्न में जो है यहाँ पे ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, और यहाँ पे 1954 में जो है फर्स्ट अवार्ड मिला था, 3 लोगों को मिला था भारत रत्न अवार्ड। वो 3 लोग थे आपके, सी राजगोपालचारी, एस राधा कृष्णन और सीवी रमन। और कौन से वो पर्सन थे जिन्होंने रिफ्यूज किया था, जिन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया था भारत रत्न, वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद 1992 में। क्यों किया था, रीजन था क्योंकि ये जो थे बोल रहे थे कि जो सिलेक्शन टीम के पार्ट होते हैं उनको ये अवार्ड लेने का हक नहीं है, इसके लिए उन्होंने मना किया था क्योंकि वो सिलेक्शन टीम के पार्ट थे और उनको अवार्ड दिया जा रहा था। अच्छा, और एक और, अच्छा फर्स्ट फॉरेनर जिनको मिला है वो कौन थे, फर्स्ट फॉरेनर, चलिए आप लोग इसका आंसर बताएगा, फर्स्ट फॉरेनर जिनको भारत रत्न मिला है कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे हैं, बताइए, देखिए कितने लोग आंसर देते हैं। लिस्ट मत देखिए। यस, खान अबुल गफर खान, ये फर्स्ट फॉरनर है, और सेकंड फॉरनर है नेल्सन मंडेला, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट रेसिपिएंट्स जो तीनों थे वो थे आपके सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, ठीक है, बिल्कुल ये याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये बस ये आपका था स्पोर्ट्स। तो आज हम लोग ने नेशनल अवार्ड्स पढ़े, फिर इंटरनेशनल पे भी आएंगे, जैसे नोबेल प्राइज वगैरह इन सब पे भी आएंगे, एक दिन इस पे भी क्लास लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर बिल्कुल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको पीडीएफ भी दे देंगे हम, ठीक है। और शिप्रा SHIPR इस कोड को यूज करके 10% डिस्काउंट पे आप प्लस बैच बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की किसी भी कैटेगरी की प्लस बैच आप इस कोड को यूज करके 10% डिस्काउंट पे ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल।
तो यस बिल्कुल, लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना लाइक एंड शेयर करेंगे बस इसी से हम समझ में आएगा कि कितने ज्यादा लोग देखेंगे, और जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना ही जो है हमको भी अच्छा लगेगा, हम भी नए नए कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, है ना। तो यस बिल्कुल, कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा लगता है देखने से, है ना, कि इतने लोग देख रहे हैं वीडियोस को। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन देखिए हम डेली जो पढ़ा रहे हैं ना, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, याद रखिएगा, इसलिए डेली क्लास कीजिए, कंफर्म आने वाला है ये, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करके ही आपको टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं हम। यस तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं रात को 9:45 पे अनअकैडमी ऐप पे। ओके, थैंक यू सो मच।